से देखें फोर्ड वीप जो है मॉडिफाई हो जाएगा, जिसका काम बच रहा था छतरी का। और ये देखें यहाँ वेट रखे हैं, रेडिएटर हैं, ये जो है साइड के वेट हैं, और कई तरह के भैया के पास में वेट है, म्यूजिक सिस्टम भी है। तो दोस्तों देखें फाइबर छतरी है, कई तरह के बम्फर हैं, और भी अलग तरह के आप जो है डिज़ाइन करवा सकते हैं। देखें कितना जखीरा है। और दोस्तों ये अपनी ज़मीन में बना हुआ है एक, ये और मॉडिफिकेशन के सारे सामान हैं, ऊपर भी सामान रखा है काफ़ी। तो भैया का पास में गाँव है, ये रहा सामने बड़ला, और ये इनका अपना फार्म है। पहले इन्होंने किले में शुरुआत करी थी और फिर जो है यहाँ अपना सेटअप बना लिया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलते हैं गाड़ी लेकर ट्रैक्टर छोड़ के फटाफट। तो अब इसमें फाइबर छतरी, टूल बॉक्स, और जो इसमें आगे बम्पर लगना है छोटा, तो ये छः सामान लग जाएंगे। फिर दोस्तों हम इसे जो है छोटी मोटी टू चैन और जितने भी अपने रोटावेटर वगैरह है, मट्टी पलटने का काम है, मतलब बीच बीच में जो है चलाते रहेंगे और आसपास में इस पर बैठ के जाया करेंगे भी। और बाकी ये देखें इधर बढ़िया काम हो रहा है दोस्तों। जैसे ही मैं थोड़ा बाहर घूमने आया तो यहाँ मुझे एक 12 अमरूद का पेड़ और ये देखें नींबू का पेड़, एक तो छोटा है इधर लगा हुआ है, और एक दोस्तों देखो मेरी हथेली जितने बड़े बड़े नींबू लग रहे हैं। तो हम भी अपने पेड़ की छटाई करेंगे नीचे से। तो दोस्तों ये इन्होंने नीचे से छटाई करी होगी, और देखें दुमझले 12 है, ऊपर बाउंड्री भी हो रही है, देखें दुमझले जितना ऊंचा नींबू का पेड़ है, और देखो कितने मोटे मोटे नींबू लग रहे हैं इसमें। ये देखें कितने बड़े बड़े नींबू हैं, ये देखें कितने सारे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बागवानी के जो नियम होते हैं अगर आप उन्हें आजमाए, इधर 38 है, इधर ये 0118 की पेड़ी खड़ी है, कितना ज़बरदस्त गन्ना खड़ा है दोस्तों। और यहाँ आलू भी काफ़ी तादाद में बोए जाते हैं। तो दोस्तों मुझे तो नींबू को देख के हैरानी हुई कि कितना बड़ा नींबू है। तो दोस्तों नींबू के पास से आ गए हैं अब हल्के होकर, और यहाँ देखें जो ये बाहर मैसी खड़ा है, इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसमें देखें पिन कभी का किसी बहुत शौकीन आदमी का चलाया हुआ है। ये देखें इसमें झंझीर पड़ी है, और पिन देखो किस तरह की हैं, डबल पिन है, ये देखें दोनों साइड को मुड़ने वाली, तो इसमें पिन लग रही है दोस्तों यहाँ। और ये देखें एक कुंदा और भी है, ये दूसरी पिन का होगा, और ये देखें ये भी जो है जंजीर में ही लगी हुई है। तो शौक बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें देखो खन्ना है यहाँ, तो जिसमें ये यहाँ पिन इसमें ऐसा लग जाएगी। तो दोस्तों शौकीन आदमी की तो कोई हिरस नहीं होती। ये इसकी नहीं है दोस्तों, ये बराबर वाले की है, इसकी ये है, तो ये लगा के देखते हैं। इसमें टाइट हो रही है बहुत ज़्यादा, ओह सुन नहीं रही बिल्कुल, काबू से बाहर बात है, तुझे तो मैं अभी देखूँगा। तो दोस्तों मेरे हाथ भी अकड़ा दिए इसने, इतने ज़ोर से लगी और टाइट हो रही थी क्योंकि कास्टिक से दो रखा है। और देखें मुझे तो पिन का कमाल लगा, ऐसी तो पिन ही नहीं मिलती कहीं, ढूंढी भी ये देखो अभी ये इतनी बच रही है, तो बहुत ही अल्टीमेट कि इस तरह की पिन भी देखो मैसी की आती थी पहले। तो दोस्तों ये जो है मुझे पुराना ही मॉडल लग रहा है, ये शायद कुछ पुर्जे इसमें बदले गए हैं, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। ITM है, और ये छोटा गियर लीवर बताता है कि ये पुराना पुराना मॉडल ही है, बाकी इसमें कुछ सामान इन्होंने बदल दिए होंगे। तो ये देखें दोस्तों ITM दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि ये नंबर वगैरह जो पड़े रहते हैं। तो दोस्तों पुराना ही मॉडल है, ITM की एक पहचान और भी है, जो IMT आते थे कि इनकी ये ढली हुई होती थी फोर्ड की तरह, देखो इस पे भी ITM लिखा हुआ, वही नंबर पड़े हैं जो पीछे। तो दोस्तों ये एक पहचान होती है कि हर पुर्जे पे वही सेम नंबर पड़ा रहता है, तो उससे ओरिजिनलिटी का पता चल जाता है कि ये BC के साथ का है। देखो ये वाले ये पुश पेडल जो थे, यार देखो इन पे भी सब पे बहुत सारे पुर्जों पर ITM पड़ा हुआ है, तो इसी से पता चलता है कि ये जो रोड वगैरह हैं कि ITM ट्रैक्टर में ये ढली हुई आती हैं, ये कभी नहीं टूटी उनकी, और बाद की जो आने लगी वो टूट जाती थी। तो ये देखो ये पीछे ढली हुई है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये ट्रैक्टर, इसमें थोड़ा ही सामान है लेकिन जो भी सामान लग रहा है, स्टेयरिंग भी दोस्तों ओरिजिनल ही है देखो इसका, ये देखें स्टेयरिंग बन गया है, देखो कितना शानदार, कितना बढ़िया चल रहा है, बहुत बहुत शानदार। दोस्तों आने वाले के समय के लिए इसे हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और मुझे तो ये पिन का जुगाड़ जो है सबसे बेहतरीन लगा। तो दोस्तों अब जो है
बबलू भाई आवाज लगा रहे हैं दोस्तों, चल पड़ते हैं घर फटाफट, शाम को फिर दो शादियों में कन्यादान है। दोस्तों बबलू भाई जी तो कुछ जानकार भाई आ गए हैं, उनसे बात कर रहे हैं 72-50 ट्रैक्टर वाले। और दोस्तों मुझे मिल गए हैं पार्ट। ओहो भाई अब तो मैं 5 मिनट आंख बंद करूंगा। ओहो हो दोस्तों अब तो आराम करेंगे भाई। खाट मिल गई, बहुत जू लग रहा। ओहो हो भाई नज़ारे भी हैं, बाहर सड़क चल रही है। दोस्तों अब जो है कमर सिद्धि करके यहाँ आ गए हैं, देखें अब बाहर का नज़ारा यहाँ का ऐसा है। और दोस्तों शाम हो चली है और बाहर खड़ा होकर सदम ऐसी ऐसा लग रहा है, ये देखें बहुत ही शानदार। तो दोस्तों वहां से देखे छोटे मैसी से प्रेम भाव करने के बाद अब मनिंदर भाई के यहाँ से चल दिए हैं। तो दोस्तों अब घर पहुंच रहे हैं फटाफट, अब तो रास्ते में मौका मिलेगा नहीं, टाइम बहुत हो गया। बबलू भाई भी लेट हो गया है, ये बराबर में बढ़िया बुलेट खड़ी है। दोस्तों अब जो है थोड़ी देर के लिए किले में रुके हैं, बबलू भाई जी को काम था, किसी से मिलना था थोड़ी देर के लिए, तो अब चल रहे हैं फटाफट रुक के थोड़ी देर। तो बबलू भाई जी उतर के चले गए हैं। दोस्तों किले में रोड वगैरह काफ़ी अच्छी बन रही है। दोस्तों फिर से वापस पेट्रोल पंप पे आ रुके हैं, क्यों? क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, पीछे जो था बबलू भाई ने बताया कि इसमें जो है ट्रैक्टरों के लिए डीजल भी लेना है 30 लीटर। तो दोस्तों बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं। और इसके बाद में यूँ है वो ऐसा हो रहा है दोस्तों, अब जो है डीजल बबलू भाई पीछे भरवा रहे हैं। अच्छा भैया अभी दे रहा हूँ। दोस्तों हर बार की तरह कभी आते हैं कभी जाते हैं, ट्रेन ने फिर से हमारा रास्ता रोक लिया है। अब ट्रेन का भोंपू हमें सुनाई दिया है, तो अभी तक गाड़ियाँ कम ही दिखाई दे रही हैं आगे पीछे, हमारे पीछे काफ़ी हैं ये देखें। तो दोस्तों आ रही है ट्रेन धीरे धीरे। दोस्तों ट्रेन जो है पूरी परीक्षा ले रही है, हॉर्न दे रही है, लेकिन आगे की तरफ नहीं आ रही है, बिल्कुल खड़े खड़े सुखा रही है। ओहो इससे भी मंदी आ जाती, कौन तुझे कुछ रोक रहा था, और मंदी आ जाती, हदी होगी बिल्कुल स्लो मोशन में। गब्बर तुझे इसकी सजा मिलेगी गब्बर। दोस्तों एंड में पहुंच गए हैं बिल्कुल घर ठीक ठाक। नहीं अब कोई नहाने का टाइम नहीं, शाम होगी जो जैसा है वो वैसे ही जाएगा, अब तो हम आराम करेंगे, बस एक बार खेत में राउंड लगाऊंगे, पूली गिन खाएंगे। दोस्तों 3 दिन से छोल बंद थी, आज बाबा आए थे, बबलू भाई देखो एकदम कैसे लेट गए हैं, कमर शुद्धि कर ली है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों हम तो घर ही ठीक है, अपने ही गोबरों में मट्टी में घरों ही ठीक है, बस यहीं कहीं दावत मार ली तो मार ली, नहीं तो अपना दोस्तों अपने घर से बढ़िया कुछ नहीं, चाहे अपना महल है चाहे झोंपड़ा है, अपना ही घर ठीक है। टिंग टोंग।